बड़ी खबर, हिमाचल में सुक्खू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। पूरी कैबिनेट और कांग्रेस विधायक इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जा चुकी है, पहले चरण में महिलाओं को 1500 देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गरीब कल्याण कोष स्थापित करेगी, ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में काम कर रहे हैं, 10 दिन में एक बड़ी कंपनी से MOU कर रहे हैं। हिमाचल देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेट होगा, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत है वो बहुत ज्यादा है। ग्रीन हाइड्रोजन जो बनती है वो पानी से ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन में पैदा होती है। उसके लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत होती है। ग्रीन एनर्जी की जरूरत है तब वो आगे बढ़ेगी। सोलर एनर्जी के बाद दिन में वो सोलर एनर्जी से जाएगी और रात को वो हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है उससे करेगी, तब ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली पैदा होती है उसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। उस दृष्टि से हमने एक बड़ी कंपनी से आने वाले हमारे विभाग उसमें कार्य कर रहे हैं। हमारे काम करने की संस्कृति को बिजली बोर्ड और पावर कॉरपोरेशन में चेंज कर दिया गया, पूरा बदलाव उसमें हो चुका है। इस साल हम 200 मेगावाट पावर, 500 मेगावाट का टारगेट है मार्च में, जिसमें हम SJBNL भी करेगा, 200 मेगावाट हम करेंगे और 100 मेगावाट जो हम अपने यूथ के द्वारा 1000 करना चाहते हैं, लेकिन शुरू की स्कीम है 100 मेगावाट अपने यूथ के द्वारा करना चाहते हैं। ये पहली सरकार है, आप पिछले बजट का ही उठा के देख लीजिए, जिसने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर चर्चा की है, जिसने रिसोर्स को डेवलप करने के लिए चर्चा की है। उसका पहला उदाहरण हमने वाटर सेस लगा कर दिया है। ये पहली सरकार है जिसने 5 साल उस नीति को बदल डाला जिसमें ठेकों की नीलामी में 10% बढ़ाकर दिखाया ये जाता था कि 10% बढ़ गया इतने से करोड़, हमने ओपन नीलामी की जिससे आज 40% की वृद्धि हुई है और 150 करोड़ रुपए का मिल्क सेस भी मिलने वाला है। तीसरी हमारी योजना किसान तक पहुंचने की है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है। उस दृष्टि से हम वर्ल्ड क्लास डंगवार के कांगड़ा में मिल्क प्रोडक्शन के डेयरी प्रोडक्ट्स का हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। हम अपनी सभी गारंटियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल के लिए हम 4थी गारंटी अपनी पूरी करने जा रहे हैं। हम हिमाचल की जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कांगड़ा टूरिज्म कैपिटल बने, ऐसा ये ही नहीं होता था, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट ही नहीं थी, पिछली सरकार के समय सोचा ही नहीं गया, कह दिया गया कि 400 करोड़ वहां से अनुमोदित होगा फाइनेंस कमीशन से, लेकिन फील्ड में कोई काम नहीं हुआ। हमने आते ही सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट की और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2-3 दिन में कांगड़ा के एक्सपेंशन की पब्लिक हेयरिंग है, उसके बाद लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो जाएगा।